राहुल गांधी को जो नोटिस जारी किया गया था उनके बयान को लेकर संसद के भीतर, उस पर लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए अपनी टिप्पणी को सही ठहराया है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन नोटिस मामले में अपना जवाब उन्होंने दे दिया है और लोकसभा में अपने भाषण को सही ठहराया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था संसद के भीतर, उनमें से कई ऐसे शब्द थे जिसको सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया था। पीएम पर बयान को लेकर राहुल गांधी को यह नोटिस भी मिला था, लेकिन अब उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी को प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। आपको बताते चले, लोकसभा सचिवालय ने उनसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी द्वारा उनके खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर अपना जवाब लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा जवाब पूरी तरह से सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मेरी टिप्पणी जायज है।